हेलो स्टूडेंट नमस्कार, आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिकर। दोस्तों आपका फिर से दिल से स्वागत है के सी ए के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों जो लाइव में जुड़े हैं जल्दी से एक बार फटाफट से बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस, जल्दी से ट्राई करके बता रहे हो आप ऑडियो वीडियो के बारे में। और अगर दिक्कत आती है तो तुरंत मैसेज भी करना। आई थिंक वीडियो में कोई आ रहा है बट ऑडियो में कभी क्या आ जाता है इशू। वी आर वर्किंग ऑन द सेम। क्या करो यस अरे शुरू लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रीवियस सेशन, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके याद करते हैं क्या पढ़ा था। स्टूडेंट्स ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ में अगर आप हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ऑडियो में प्रॉब्लम है yes. अब देखो तो अब आ रहा है क्या प्रॉपरली? पूर्वा जी ऑडियो में थोड़ा माइक चेंज किया है तो आप अकॉर्डिंगली कमेंट करके बता सकते हो इम्प्रूवमेंट हुआ कुछ। यस ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम क्लास ट्वेल्थ के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड HSC के स्टूडेंट्स हो और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आपके लिए ऑफकोर्स कंपलसरी सब्जेक्ट है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अकाउंट्स जिसे कहा जाता है, उसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। और इस फर्स्ट चैप्टर का आज का डेमो लेक्चर नंबर 2 है। और जैसे कि आप देख सकते हो हमने लिखा हुआ है पहले डेमो अटेंड करो फिर विश्वास करो। ये स्टूडेंट्स पहले डेमो अटेंड करो फिर विश्वास करो। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट मतलब पेन खरीदना है भाई 2-5 रुपए का, तो पेन चला के देखते हैं चल रहा है क्या नहीं। अरे यहाँ पे तो करियर डिसाइड करना है, अपने आप पूरा साल स्पेंड करना है, तो उसके पहले देखना जरूरी है ना कैसे पढ़ाया जाता है। डेफिनेटली अगर आप सेटिस्फाइड हो तो डेफिनेटली आपको डिसीजन लेना है और KKCA को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको पूरा ज्ञान डिटेल में मिलेगा, साथ ही साथ पूरा बुक कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क करेंगे, असाइनमेंट करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर करेंगे एक्सेप्ट बुक्स, ठीक है। बट स्टूडेंट्स आपका इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा रहेगा उतना कंटेंट आपको भर भर के मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने रीकैप की ओर, मतलब प्रीवियस सेशन में जो देखा था उसकी ओर। स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट्स जो पार्ट हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा कि सोल प्रोपरेटरशिप मतलब सोल सिंगल पर्सन वाला बिजनेस, उसमें बहुत सारी निगेटिव पॉइंट बहुत सारी कमियां थी कि कैपिटल का लिमिटेशन था, मैनेजरियल एबिलिटी का लिमिटेशन था, एक ही पर्सन सब नहीं कर सकता, स्टेबिलिटी भी नहीं होती उसमें, स्पेशलाइजेशन पॉसिबल नहीं है एक ही पर्सन होने के कारण। तो ये सब निगेटिव पॉइंट्स को हटा के एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस आया, दैट इज पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म। तो बच्चों ये जो पार्टनरशिप फॉर्म वाला जो पैटर्न है इसमें क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस। दो या उससे ज्यादा लोग साथ में आ गए टू कैरी ऑन अ बिजनेस, बिजनेस करना है मिलके विद द व्यू टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। और साथ में आएंगे बिजनेस करेंगे, बिजनेस में से प्रॉफिट जो होगा वो मिल बांट के खाएंगे, मतलब मिल बांट के डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म होता है। सो दोस्तों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला डेफिनेशन हमने देखा और उसके बाद हमने देखे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फीचर्स में हमने फर्स्ट देखा एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप में क्या एग्रीमेंट कंपलसरी है? आंसर इज यस, एग्रीमेंट कंपलसरी है। सर क्या ये एग्रीमेंट रिटन में होना चाहिए? आंसर इज नॉट कंपलसरी, एग्रीमेंट रिटन या ओरल दोनों भी वैलिड है। यस ओरल एग्रीमेंट इज ऑल्सो वैलिड, लेकिन किंतु परंतु बंधु याद रखना एक चीज, अगर एग्रीमेंट आप रिटन में रखो तो कोर्ट ऑफ लॉ अगर फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है, झगड़े होते हैं, तो डेफिनेटली जरूरत होती है प्रूफ की, और प्रूफ के केस में डॉक्यूमेंट अगर रिटन रहा तो ज्यादा काम में आता है। ओके यस इट इज प्रेफरेबल टू हैव रिटन एग्रीमेंट बट कंपलसरी नहीं है, ये ओरल वाला भी चल जाएगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ पार्टनर, भाई मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 है तो मैक्सिमम 50 पार्टनर्स है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट लॉफुल बिजनेस, अगर पार्टनरशिप में कुछ लोग साथ में आए हैं
बिजनेस करना होगा लीगल वाला, लॉफुल बिजनेस। वो हमने देखा ना कि किडनैपिंग करेंगे और फिर पैसा ही पैसा होगा, पैसा वाला नहीं चलेगा भाई, लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग जरूरी है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो जिसमें जो पार्टनर्स है उसमें मतलब प्रॉफिट शेयरिंग तो कम ज्यादा चल जाएगा, बट शेयरिंग इज मस्ट। ठीक है, शेयरिंग मस्ट है। यस, क्रिकेट वर्ल्ड, आई रिस्पेक्ट युअर कमेंट की मराठी मध्ये घ्या, बट मला असं वाटतं म्हणजे आतापर्यंत जे स्टुडंट्स आपल्याकडे जॉईन झालेले आहेत दे आर फ्रॉम डिफरंट बॅकग्राऊंड, कुछ पुणे से है, कुछ नागपूर से है, कुछ नासिक से है, कुछ और छोटे छोटे गाँव से है। स्टूडेंट्स, इसमें सबको मराठी नहीं आता, बट हिंदी सब समझ जाते हैं। देर आर मेनी स्टूडेंट्स इवन विच केम फ्रॉम आउटसाइड स्टेट टू महाराष्ट्र, तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए वी आर टीचिंग हिंदी। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन केस मतलब जो लाइव लेक्चर की बात हम कर रहे हैं, ये तो डेमो लेक्चर चल रहे ना यूट्यूब पे, इसके बाद जो रेगुलर लेक्चर हो गए, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कन्वीनियंट रहा तो मराठी में भी टीच कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पॉइंट को समझने में दिक्कत आई तो बताइए, वो हम कर लेंगे। यस तन्मय जी, आपका जो क्वेश्चन है केकेसीए के ऐप में आप ड्रॉप कर दीजिए एग्जैक्टली आप किस कोर्स के बारे में बात कर रहे हो, किस बैच के बारे में बात कर रहे हो, तो वहां पे आपको उसका रिस्पांस मिल जाएगा। नाउ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस जरूरी है, प्रॉफिट शेयरिंग तो इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। दो पार्टनर है, दो में से एक पार्टनर को 99% प्रॉफिट मिल रहा है और दूसरे पार्टनर को मिल रहा है 1% शेयर, क्या ऐसा चलेगा? आंसर इज यस, चल जाएगा, ये भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंडीशन क्या है, शेयरिंग होना चाहिए। और हाँ, प्रॉफिट का शेयरिंग बोले तो लॉस का शेयरिंग भी। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो बच्चों, अगर बिजनेस के एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस सपोज लॉस में आ गया, फाइनली हमने डिसाइड किया कि अपने को बिजनेस बंद करना है, अगर बिजनेस बंद करने की सिचुएशन आ चुकी है तो बिजनेस के एसेट बेच देंगे और बिजनेस के लाइबिलिटीज पे करेंगे। लेकिन बिजनेस के एसेट बेच के अगर इतना पैसा नहीं आया कि बिजनेस के लाइबिलिटीज पे कर पाए, तो अगर पैसा कम पड़ रहा है तो ओनर को उसके पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बेचने पड़ सकते हैं। पर्सनल की जो प्रॉपर्टी मतलब घर है, गाड़ी है, जो भी पर्सनल जायदाद है, वो बेच के भी बिजनेस का लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स सॉरी पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी एट ऑल, इट इज ऑप्शनल, अगर आप चाहो तो आप रजिस्टर करो, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोलता है कि अगर आपको महाराष्ट्र में पार्टनरशिप वाला बिजनेस करना है तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। नेक्स्ट, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो बिजनेस के जितने भी एसेट्स होते हैं वो एसेट का ओनर कौन है? जॉइंट ओनरशिप, जितने भी पार्टनर्स है दे आर जॉइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, एवरी पार्टनर इज प्लेइंग डबल रोल, यस एवरी पार्टनर इज प्लेइंग डबल रोल, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। तो दोस्तों दोनों भी रोल प्ले करना है, अगर वो आउटसाइडर के साथ डील कर रहे तो वो प्रिंसिपल वाला रोल प्ले कर रहे हैं, और अगर पार्टनर्स के साथ एक दूसरे के साथ डील कर रहे तो एजेंट वाला रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब भाई पार्टनरशिप डायरेक्ट पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व, बिजनेस बंद किया जा सकता है, सब पार्टनर्स अगर सोच ले उनके हिसाब से वो बिजनेस बंद कर सकते हैं, अगर कोई पार्टनर चाहे कि बिजनेस बंद करना है, डिसोल्यूशन करना है, तो उनको 14 डेज नोटिस देना पड़ेगा। ओके, 14 डेज का नोटिस देके वो बिजनेस डिसॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये था छोटा सा, बड़ा सा, लंबा सा, मोटा सा रिकैप, 7 से 8 मिनट का रिकैप हमने कवर किया। स्टूडेंट्स, एक बार आपके मैसेजेस तो आ ही रहे हैं, कुछ ना कुछ पूछ रहे हो, फिर भी मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दो, ऑडियो और वीडियो क्या दोनों प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल क्लियर है? ऑडियो अंडरस्टैंडेबल है या लैग हो रहा है बीच में? यस, नाउ नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनर्स ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया है, वो एग्रीमेंट मतलब कुछ ना कुछ, एग्रीमेंट मतलब क्या, सीरियस की बात, एग्री किसी चीज पे एग्री होना, ठीक है, टू और मोर पर्सन जो साथ में आए हैं, कोई पॉइंट रखा है उस पर सब लोग एग्री है, दैट इज एग्रीमेंट। लेकिन अगर यही एग्रीमेंट लिख लिया जाए तो वो बन जाता है पार्टनरशिप डीड। यस, यस स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डीड, तो देखो डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। एकदम सिंपल सा मीनिंग दिया है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में मतलब रिटन है ऑफ कोर्स, कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट टर्म्स,
मतलब जो पॉइंट पे पार्टनर सब लोग एग्री हो गए, दैट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है अमॉन्ग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, इसे कहेंगे पार्टनरशिप डीड। इस पॉइंट पे मल्टीपल पार्टनर्स एक मतलब एग्री हो गए और उससे डॉक्यूमेंट बना लिया पार्टनरशिप डीड। इट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। बच्चों इसमें सब टर्म्स एंड कंडीशंस दिए जाते हैं, तो मतलब फॉर एग्जांपल कौन सा पार्टनर कितना पैसा लाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा, किस पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, एवरीथिंग, बहुत सारी डिटेल चीजें उसमें लिखी जाती है जिसमें सब लोग एग्री है। सो एन एग्रीमेंट मे बी रिटन और ओरल। एग्रीमेंट सर आपने तो बोला था, कल ही सिखाया था, एग्रीमेंट रिटन होना कंपलसरी नहीं है, एग्रीमेंट तो ओरल भी चलेगा। यस बच्चों मैं अभी भी बता रहा हूँ एग्रीमेंट ओरल भी चल जाएगा, लेकिन अगर वो रिटन रहा तो उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड। ओके, एग्रीमेंट ओरल इज ऑल्सो वैलिड, लेकिन अगर एग्रीमेंट रिटन है देन वी कैन कॉल इट एज पार्टनरशिप। ओके, तो पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक इट कंपलसरी टू हैव रिटन एग्रीमेंट। याद रखना बच्चों, पार्टनरशिप एक्ट ने कहीं पे भी कंपलसरी नहीं किया है, ना एग्रीमेंट रिटन में होने के लिए कंपल्शन है, ना वो रजिस्ट्रेशन करने का कंपल्शन है, पार्टनरशिप एक्ट का कोई कंपल्शन नहीं है रिटन एग्रीमेंट के बारे में। हाउएवर इन केस अगर डिस्प्यूट हो जाता है देन बेस्ट कोर्स टू हैव रिटन एग्रीमेंट न्यूली साइड। तो भाई झगड़े के केस में बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, अगर आपके पास रिटन एग्रीमेंट है, आपने उस पर सिग्नेचर किया हुआ है सबने, तो वो पार्टनरशिप डीड जो है वो कोर्ट में दिखा के आपको इंसाफ मिल सकता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप डीड कंटेन, पार्टनरशिप डीड में क्या आता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। अगर पार्टनरशिप डीड है उसमें सब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाएंगे एग्जैक्टली पार्टनरशिप से रिलेटेड इंटरनल मैनेजमेंट कैसे करना है, तो इसीलिए इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। सर आर्टिकल क्यों कहा जाता है? बच्चों जैसे कि कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, मतलब जो लोग साथ में आए हैं, जो रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन जो उन्होंने फुलफिल किए हैं, सेटिस्फाई किए हैं कि हम ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करेंगे और इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो रूल्स वो फॉलो करने वाले हैं, तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। कहाँ पे? इन केस ऑफ कंपनी। कंपनी के केस में ऐसा होता है कि वो आर्टिकल्स में लिखा जाता है, इसलिए उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। और क्योंकि ये चल रहे, ये बात किसकी चल रही है, बस पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप डीड में लिखे हैं, इसलिए उसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। ओके, यस, याद रखना बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स में से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं और हम ये आर्टिकल वाला ये पॉइंट तो मतलब इग्नोर कर देते हैं, नॉर्मली भूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में क्या है, देखो बच्चों, सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। अगर क्वेश्चन आया है व्हाट इज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब बदले में जो दिया जाता है, किसी चीज के बदले में कुछ दिया जाता है तो उसे कंसिडरेशन कहा जाता है। यहाँ पे कंसिडर वर्ड दिख रहा है क्या भाई, पूछा है तो यहाँ पे तो कंसिडरेशन नहीं नजर आ रहा है, आई डोंट नो आप जो भी पूछ रहे हो। तो कंसिडरेशन का नॉर्मली लॉ में मीनिंग ये होता है कि बदले में कुछ मिल रहा है तो उसे कंसिडरेशन कहा जाता है। देखो आगे, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले लिखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, ये जरूरी है ना भाई, जिस नाम से आप बिजनेस कर रहे हो उसका नाम तो डिसाइड करो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। मतलब हम साथ में आए, हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया, तो बिजनेस का नाम क्या रहेगा और हम कौन सी चीज का बिजनेस करेंगे। नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो जितने भी पार्टनर्स हैं सबका नाम, उनके एड्रेसेस वगैरह भी होते हैं, उनका पैन नंबर भी होता है। ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने टाइम का रहेगा, ड्यूरेशन मतलब ऐसा जरूरी सर ड्यूरेशन लिखना, ऐसा भी होता हो सकता है सर, अगर वो लॉन्ग लाइफ पार्टनरशिप करना चाहे तो क्या वो कर सकते हैं, आंसर इज यस। देखो बच्चों, दो टाइप होते हैं पार्टनरशिप के केस में, एक तो होता है स्पेसिफाइड पार्टनरशिप और वी कैन से स्पेसिफाइड टाइम पीरियड वाला पार्टनरशिप, मतलब उसमें टाइम पीरियड मेंशन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल से टू मंथ्स का टाइम नहीं, थोड़ा छोटा हो गया, टू इयर्स का टाइम मेंशन है, मतलब दो पार्टनर, दो लोग साथ में आ गए, पार्टनरशिप बना लिया, दो साल तक वैलिड रहेगा, दो साल के बाद खत्म, ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, तो ये टाइम पीरियड स्पेसिफिक वाला हो गया। और दूसरा होता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल मतलब ऐसा पार्टनरशिप होता है जिसमें टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया जाता, जब तक पार्टनर चाहेंगे तब तक पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर उनको जरूरत लगे तो वो रिजोल्यूशन कर सकते हैं, अदरवाइज पार्टनरशिप का बिजनेस चलता था, चलता है, चलता रहेगा।
नेक्स्ट आगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ऑफ ऑल पार्टनर्स, कौन से पार्टनर को कितना कैपिटल लाना है, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा है, ठीक है, कौन से पार्टनर कितना कैपिटल लाएंगे, अमाउंट कितना कंट्रीब्यूट करेंगे वो। नेक्स्ट रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है या फिर लॉस है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये बहुत जरूरी है बच्चों किसी भी बिजनेस के लिए। एट द एंड सब लोग साथ में आए ही क्यों है, इसी के लिए बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और क्या ए क्या बोलता तू, अभी पार्टनरशिप की बात चल रही है। तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करना बहुत जरूरी है, और आपको क्लियरली बता दूं वापस से फिर से एक बार, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब ही लॉस शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट वर्ड इंक्लूड्स लॉस, ठीक है, तो वो रेशियो अलग से नहीं होता, प्रॉफिट वाला रेशियो ही कंटिन्यू होता है। तो ये रेशियो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए, एग्जैक्टली कौन से पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा। सर हमने तो सुना था कि हर पार्टनर को इक्वल रेशियो मिलता है, चार पार्टनर रहे तो मतलब दो पार्टनर रहे तो 50-50 हो जाएगा सर, चार पार्टनर रहे तो 25-25 हो जाएगा। तो हमने तो सुना था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है, स्टूडेंट्स आंसर इज इनकरेक्ट, आंसर इज इनकरेक्ट, जरूरी नहीं है हर बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो सकता है लेकिन अगर पार्टनर्स ने एग्री किया तो उनका हुक्म सर आंखों पर, वो जो एग्री करेंगे वो हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अगर आपने मेंशन नहीं किया, पार्टनरशिप डीड बना ली लेकिन उसमें रेशियो मेंशन करना भूल गए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने कुछ लिखा ही नहीं एग्रीमेंट में, लिखना भूल गए या फिर जो भी रीजन था आपने मेंशन नहीं किया, देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग विल बी इक्वल, तो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग इक्वल होगा, ठीक है। नॉर्मल केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा वो मेंशन कर दिया जाएगा, एग्रीमेंट में मेंशन किया जाएगा, ठीक है। पर बच्चों सीधा सीधा बात एकदम बताओ ना, पार्टनरशिप एक्ट का क्या बोलना है, तो उन्होंने ऐसा बोला नहीं, उनके शब्द में आपको अलग मतलब उनके भावना अलग शब्द में बताता हूँ, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, क्या बोला है पार्टनरशिप एक्ट ने, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, मतलब अगर पार्टनर्स जिस चीज पे एग्री है ना, हमारी कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अंदर घुसेड़ना ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं भाई, अगर मियां बीबी पार्टनर्स एग्री है ना किसी चीज पे तो पार्टनर्स आपके हिसाब से चलने, पार्टनर्स ने बोला इक्वल रेशियो चाहिए, ठीक है भाई इक्वल रख लो, पार्टनर्स ने बोला नहीं नहीं एक पार्टनर को 99% मिलेगा और दूसरे को सिर्फ 1% मिलेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप एग्री है तो हम चल जाएगा। पार्टनर ने बोला अगर कोई पार्टनर कैपिटल लाता है तो उसको इंटरेस्ट देना है, ठीक है भाई आप बोलोगे वैसा दे दो इंटरेस्ट। पार्टनर्स ने मेंशन किया कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है मतलब पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस में से पैसा लेके जाता है उसको इंटरेस्ट लगाना है, लगा दो इंटरेस्ट। पार्टनर्स ने अगर सोचा है कि अगर कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर है मतलब बिजनेस में एक्टिवली काम करने वाला पार्टनर है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए सैलरी, कोई दिक्कत नहीं आप बोल रहे तो सैलरी भाई पार्टनर से एग्री तो क्या करेगा काजी, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जब तक पार्टनर्स एग्री है ना तो पार्टनरशिप एक्ट को कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट कोई दिक्कत नहीं है, उनके हिसाब से वो डील कर सकते हैं, बट हाँ लॉफुल बिजनेस होना चाहिए ना। पार्टनर अगर एग्री किडनैपिंग के लिए अपन आप मर्डर लेंगे, सुपारी करेंगे, गांजा की खेती बीती करेंगे, इलीगल धंधा करेंगे, ड्रग्स पास करेंगे, भाई ऐसा नहीं चलेगा ना भाई, लीगल बिजनेस करो, तुम जो करना है करो लीगल बिजनेस करो, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड, ये भी मेंशन कर किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट राइट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, कौन से पार्टनर की क्या राइट क्या ड्यूटी रहेगी, कौन से पार्टनर को कौन सा रोल निभाना है, वो भी पार्टनरशिप डीड मेंशन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक बता दिया भाई तू मार्केटिंग का देखना, तू एचआर का देखना, तू प्रोडक्शन का देखना, सबको काम बांट दिया, यस कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी वर्कआउट हो सकता है। रेशियो इन विच सॉरी द प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होगा रिटायरमेंट होगी डेथ होगी तो उस सिचुएशन में कैसे कैलकुलेशंस कैसे करने हैं वो भी एग्रीमेंट हो सकता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन ड्राइंग एटसेट्रा, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लाता है या फिर कोई पार्टनर अगर बिजनेस में लोन देता है या कोई पार्टनर अगर पर्सनल यूज के लिए पैसे लेके जाता है, ये सब सिचुएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखना चाहिए वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहे। नेक्स्ट सैलरी कमीशन एटसेट्रा इफ पेएबल टू एनी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन अगर कुछ पे करना है तो वो भी मेंशन करो भाई, वो भी पार्टनरशिप डीड में लिख दो ना, लिख दो फॉर एग्जांपल के सर हमारे एक्टिव पार्टनर है इनको 1,00,000 रुपए पर मंथ सैलरी दिया जाएगा, टेंशन कर दो कोई दिक्कत नहीं।
आपने लिखा, सपोज सर हमने अगर ऐसे लिखा कि किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा, मैं बोला ना रे तुमको मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पार्टनरशिप एक्ट में डेट में लिखा है ना नहीं मिलेगा सैलरी तो नहीं मिलेगा, कोई डिस्कशन नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं उसमें। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फ्रेंड्स, डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस जब डिसोल्व होगा, बंद होगा, तो अकाउंट्स किस तरीके से सेटलमेंट करेंगे वो भी पार्टनरशिप डेट में आप लिख सकते हो। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, बच्चों अगर पार्टनर में फ्यूचर में जाके डिस्प्यूट होता है किसी भी रीजन के वजह से, तो झगड़ा हुआ तो किधर जाने का, कोर्ट में जाने का कि किधर अरबिट्रेटर मतलब कोई मिडल मैन के पास जाके निपटा लेने का, ये सब तक मेंशन किया जाता है पार्टनर। अगर झगड़ा हुआ तो कहाँ पे जाके सॉल्व करना है वो तक मेंशन किया। नेक्स्ट, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, या फिर इसके अलावा भी कुछ मैटर रहा बिजनेस को लग रहा है कि ये भी हमें पार्टनरशिप डीड में ऐड करना है, वो अकॉर्डिंगली कर सकते। ओके, तो सिंपल सिंपल है बच्चों ये पॉइंट, दिखने में बहुत सारे पॉइंट है पार्टनरशिप डीड बट एकदम लॉजिकल है। जस्ट इमेजिन, चलो ये बाजू में रखते नोट, ठीक है, कुछ लोग साथ में आ गए, पार्टनरशिप डीड बना ली, अब उनको क्या क्या बताना पड़ेगा, बिजनेस का नाम, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन कितना पैसा लाएगा, तो प्रॉफिट शेयर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, और क्या किसी को सैलरी देना है क्या, बस इतना याद रख लो, काफी है बेसिक चीजें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो बेसिक चीजें जो है कंपनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वो सब चीजें लिख लेंगे, दैट इज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में कैसा होता है, थोड़ा सा फोटो दिया बच्चों इन्होंने, छोटा सा पार्ट है बच्चों, ये पूरा नहीं है डीड ऑफ पार्टनरशिप। वैसे बॉन्ड पेपर जो है यहाँ पे 100 रुपए का बॉन्ड पेपर आप देख सकते हो, जिसपे इंडियन जो ये ऑथराइज ऑफ कोर्स पेपर होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो डीड ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की डीड में देखो जैसे लिखा हुआ है, डीड ऑफ पार्टनरशिप इज मेड ऑन डेट मंथ ईयर लिखा हुआ है, और उसके बाद फर्स्ट पार्टनर उनका नाम उनका एड्रेस, दूसरा पार्टनर नेम एड्रेस, थर्ड पार्टनर, फोर्थ पार्टनर, जितने भी पार्टनर है उनका पूरा नाम, फादर का नाम, एड्रेस, उनके बेसिक डिटेल, इन शॉर्ट नेम और डिटेल्स, नेम और एड्रेस, ये सब कुछ मेंशन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या फायदा है पार्टनरशिप डीड बना के, क्या ही क्या जरूरत है इतना लोचा दिमाग को मगज मारी पार्टनरशिप डीड बना के, कुछ फायदा है भी या नहीं। स्टूडेंट्स, डेफिनेटली फायदे के सिवा कोई क्यों बनाएगा। देखो, पार्टनरशिप डीड इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज रिटन एग्रीमेंट। बच्चों, पार्टनरशिप डीड में सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, एक रिटन एग्रीमेंट है, मतलब अपने पास एक तसल्ली है कि हमने लिख लिया है, विच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें सब टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं और वो रिटन भी है, ठीक है। तो होगा क्या, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के म्यूचुअल रिलेशनशिप इससे स्ट्रांग हो जाएगी, सबको पता है कि किसको क्या करना है। मोर ओवर पार्टनरशिप डीड रेगुलेट द राइट्स, मैं चेक